गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट क्लास में जो हमने किया था वो डाइंग का चैप्टर चल रहा है हमारा। रंग के बारे में हम जान रहे हैं कि प्रकृति में कौन कौन से रंग होते हैं और प्रकृति के अलावा कौन से जो सिंथेटिक कलर्स होते हैं उनकी बात की। तो कलर्स के टाइप्स के बारे में हम बातें कर रहे हैं कि कितने प्रकार के कलर्स होते हैं। तो आज हम करेंगे जैसे कि हमने पिछली क्लास में किए थे, कितने प्रकार के रंगों के बारे में किया था। अम्लीय रंग किए थे, क्षारीय रंग होते हैं, उदासीन होते हैं, और उसके उदासीन के अंदर हमने चार प्रकार के किए थे, प्रत्यक्ष, वेट, सल्फर और डेवलप रंग। तो डेवलप रंग है, उसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, वो आज उसके बारे में बात करेंगे। तो हम करेंगे डेवलप्ड कलर यानी विकसित रंग। माने जाते हैं विशिष्ट रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा इन रंगों को इन वस्त्रों पर या इन रेशों पर चढ़ाया जाता है। वस्त्र को रंगने के पश्चात कई प्रकार की प्रक्रियाएं की जाती है जिससे वे रंग पक्के चढ़ जाते हैं। कई प्रक्रियाओं से होकर इनको गुजरना पड़ता है पक्का करने के लिए। अतः ये जो रंग होते हैं, कई प्रकार की प्रक्रियाएं करने के बाद इसमें क्या है, कई प्रक्रियाओं से इनको गुजरना पड़ता है। इसके कारण क्या है, कई प्रकार के अगर हम कई प्रकार की प्रक्रियाएं करते हैं तो जो वो प्रोसेस क्या होगी, बार बार होगी तो क्या होगी, उससे प्रोसेस से जो हमारा धन है वो अधिक खर्च होगा, समय भी अधिक खर्च होगा और धन भी खर्च होगा। तो उसके कारण क्या है, यह जो कलर है वो क्या है, महंगे होते हैं। ये जो कलर है इस कारण महंगे पड़ते हैं, महंगे होते हैं क्योंकि रंग को पक्का बनाने के लिए बार बार इनको कई प्रक्रियाओं से ऊपर गुजरना पड़ता है। अब इस जो उपरोक्त जो सभी प्रकार के रंगों के अतिरिक्त कुछ और रंग भी हैं, इनके अलावा जो हमने कलर्स किए हैं, इनके अलावा जो रंग है उनकी बात करते हैं। ये थे हमारे काफी, ये हो गए। अब अन्य प्रकार के रंगों की बात करते हैं। मुख्यतः हमारे जो कलर्स हैं वो कितने प्रकार के आपको बताए थे, अम्लीय, क्षारीय और आपको बताए उदासीन। और उदासीन के अंदर हमने चार प्रकार के रंग किए थे, वेट कलर्स, सल्फर कलर्स, विकसित कलर और प्रत्यक्ष कलर। इनके अलावा कुछ और रंग भी प्रकृति में या वैसे विद्वान हैं, बनाए जाते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो वो रंग कौन कौन से, सबसे पहले नेप्थोन या एजोइक रंग। नेप्थोन, वनस्पति रेशों से बने वस्त्रों की
रंगाई एवं छपाई नेप्थोल रंगों द्वारा की जाती है। जो वनस्पति रेशे कौन कौन से होते हैं, वनस्पति रेशे आपको बताए थे जो वनस्पति से हमें प्राप्त होते हैं, कपास है, कपास, कपो, जूट, लीनम इत्यादि जो भी रेशे हैं जो हमें वनस्पति वनस्पति जो रेशे हैं उनको रंगने के लिए नेथोल रंगों का प्रयोग किया जाता है। नेथोल या एजोइक रंग होते हैं उनको रंगने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। सूती वस्त्रों को रंगने के लिए पहले इसे बीटा नेथोल एवं कास्टिक सोडा, रंगने के लिए इसे क्या करते हैं, सबसे पहले इनको बीटा नेथोल जाता है। इसके बाद वस्त्र को क्षारीय रंगों से रंगा जाता है। नेथोल रंगों के रंगने के बाद उनको क्षारीय रंगों से रंगा जाता है। क्षारीय रंगों से रंगा जाता है। साबुन हो उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हरे एवं नीले रंगों के प्लास्टर के वस्त्रों पर भी ये रंग चढ़ाए, पॉलिएस्टर के जो वस्त्र होते हैं उनके ऊपर भी हरे और नीले रंगों को चढ़ाया जाता है, परंतु लाल एवं बैंगनी रंग पर नेथोल रंग नहीं चढ़ते हैं। लाल और बैंगनी जो रंग होते हैं उनके ऊपर नेथोल जो कलर होते हैं वो नहीं चढ़ते हैं। नायलोन तथा एसीटेट वस्त्रों के लिए एजोइक रंगों का प्रयोग किया जाता है। नायलोन तथा नायलोन और इसमें कौन से वो बताए हैं आपको, नायलोन और एसीटेट। वस्त्रों पर भी रंग चढ़ाए जाते हैं, इनके ऊपर भी ये रंग चढ़ाए जाते हैं और एजोइक रंग विभिन्न शेड्स में उपलब्ध होते हैं। इनका उपयोग
ज़्यादातर इनका उपयोग डिस्चार्ज प्रिंट के लिए किया जाता है। इन रंगों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डिस्चार्ज प्रिंटिंग के लिए। डिस्चार्ज क्या होता है कि ये कपड़ा है, कपड़े के ऊपर हमने कलर लगा दिया, कलर से क्या है उसके ऊपर क्या है हमने एक कोई भी शेप है, जैसे यहाँ कलर है इसके ऊपर, इसमें क्या है कोई भी शेप है, जैसे हमें इसको डॉट्स, पोलका डॉट्स का बनाना है, छोटी छोटी डॉट्स हैं इसके ऊपर, ये डॉट्स हैं और इनको हमने यहाँ से कलर निकालना है। यानी ये जो है नीचे क्या है हमारा व्हाइट है और ऊपर हमने क्या कर दिया रेड कलर कर दिया। अब क्या करना है हमें, यहाँ क्या है पूरे को रेड कलर कर दिया, नीचे हमने पहले बेस व्हाइट लिया था फिर उसको रेड कलर से रंग दिया। अब क्या करना है हमें यहाँ से पोलका डॉट का दिखाना है। पोलका डॉट आप देखते हो जो बिंदी बिंदी होती है वो पोलका डॉट्स होते हैं, उसमें क्या करते हैं कि इन जगहों से क्या है प्रिंट को डिस्चार्ज कर लेते हैं। डिस्चार्ज प्रिंटिंग में क्या करते हैं वहाँ से कलर को खींच लेते हैं, हटा लेते हैं, तो रेड कलर यहाँ से निकल जाएगा तो इसका जो बेस है व्हाइट है वो निकल के आ जाएगा। तो डिस्चार्ज प्रिंटिंग के लिए क्या है इन रंगों का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरे प्रकार के जो कलर है वो है मोडेंट या क्रोम कलर। बनते मूलतः कोलतार से प्राप्त किए जाते हैं। मॉडर्न के या बंधक या क्रोम रंग जो होते हैं वो कोलतार से प्राप्त किए जाते हैं। कोलतार से इनको प्राप्त किया जाता है और इनका उपयोग धातुओं के रंग बंधक के रूप में किया जाता है। बंधक रंग पक्के और सुंदर ढंग से चढ़ते हैं। ऊनी और सिल्क यानी प्रोटीन जो फाइबर है या जंतु जिनको बोल सकते प्राणी है, ऊनी और रेशम
छेद और पक्के चढ़ते हैं। अच्छे और ये रंग पक्के चढ़ते हैं। सूती एवं लीनन के वस्त्रों पर इनका प्रभाव ज्यादा अच्छा नहीं होता है। सूती और लीनन पर इनका प्रभाव अच्छा नहीं होता है, अच्छा नहीं, इन पर ये रंग अच्छे नहीं चढ़ते हैं। ये रंग किसके अच्छे चढ़ते हैं? ऊनी और रेशम के जो रेशे हैं उन पर ये रंग अच्छे से और पक्के चढ़ते हैं। सूती वस्त्रों को अगर इनको रंग देते हैं तो ये रंग बड़ी ही आसानी से उड़ जाते हैं। बंधक रंगों से विविध प्रकार के रंग तैयार किए जा सकते हैं, जैसे तांबे से नीला रंग। इनसे तो एक बार ये बता रहा कि मॉडर्न जो रंग है वो मुख्यतः कोलतार से प्राप्त किए जाते हैं। धातुओं के लवण हैं वो, धातुओं के रंग है वो बंधक रंगों को रंगने के लिए काम में लिए जाते हैं। गहराई, ये रंग क्या होते हैं? गहराई तक पहुंचकर रेशों के अंदर तक चले जाते हैं और अच्छे और पक्के और सुंदर रंग चढ़ते हैं। क्रोमियम लवण का इनके अंदर प्रयोग किया जाता है और ये रंग किसके ऊपर चढ़ते हैं? चढ़ाते हैं मुख्यतः ऊनी और रेशम, यानी प्राणी जो जो रेशे हैं, प्रोटीन फाइबर है, उनके ऊपर अच्छे से चढ़ते हैं। और सूती और लिनन के वस्त्र रेशों पर ये रंग नहीं चढ़ते हैं। अगर इनको सूती वस्त्रों पर चढ़ा भी देते हैं तो ये बड़ी ही आसानी से उड़ जाते हैं। तांबे से नीला रंग मॉडर्न रंगों से, तांबे से क्योंकि धातुओं से प्राप्त किए जाते हैं, तांबे से नीला रंग प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम से इसके बैग, एल्युमिनियम और टिन से, टिन से बैंगनी रंग प्राप्त किया जाता है। तांबे से नीला, एल्युमिनियम और टिन से बैंगनी एवं लोहे से काला रंग प्राप्त किया जाता है। लोहे से काला रंग प्राप्त किया जाता है, इनसे ये रंग प्राप्त किए जाते हैं। धात्विक लवणों की मात्रा को, इन जो धात्विक लवण है उनकी मात्रा को कम और ज्यादा करके उनके डिफरेंट टाइप्स के शेड्स प्राप्त कर सकते हैं। कहीं धात्विक जो लवण है उनको ज्यादा मिला दे तो कलर डार्क आ जाएंगे, और अगर उनको कम मिलाते हैं तो कलर्स लाइट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या है, डिफरेंट टाइप्स के शेड्स को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे हमारे मॉडर्न रंग। अब है फैलने वाला रंग, डिस्पर्स रंग है। इसके अंदर जो तीसरा रंग है वो है फैलने वाला रंग। इनको डिस्पर्स या फैलने वाले रंग कहते हैं। फैलने वाले रंग कौन से होते हैं? फैलने वाले रंग को एसीटेट रंग भी कहा जाता है। डिस्पर्स जो कलर होते हैं इनको एसीटेट कलर भी कहते हैं। एसीटेट
रंग भी इनको कहा जाता है। सर्वप्रथम फैलने वाले रंग का उपयोग एसिटेट वस्त्रों को रंगने के लिए ही किया गया था। जो डिस्पर्स कलर है उनको सबसे पहले एसिटेट रेशो को एसिटेट जो रेशे हैं उनको रंगने के लिए ही इन रंगों का प्रयोग किया गया था, इसीलिए इनको एसिटेट कलर कहा जाता है। अब इसका उपयोग लगभग सभी प्रकार के कृत्रिम रेशों पर किया जाता है। एसिटेट रेशो को सबसे पहले रंग दे। अब इसमें सभी प्रकार के कृत्रिम रेशों को रंगा जाता है। इनसे सभी प्रकार के कृत्रिम रेशों को रंगा जाता है। फैलने वाले रंग है वो सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म कण होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके जो कण होते हैं वो अति सूक्ष्म होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। ये रंग जल में घुलनशील तो होते हैं, ये रंग जो है वो जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील। ये रंग जल में घुलनशील होते हैं और जब वस्त्रों को इनसे रंगा जाता है तो ये क्या करते हैं, वस्त्रों के रेशों के अंदर चले जाते हैं और आसानी से उनके अंदर फैल जाते हैं और सूखने के उपरांत जल है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है और रंग रेशों के बीच में ही ठहर जाता है और अपना स्थान बना लेते हैं। ये रंग पक्के होते हैं और इनके ऊपर पसीने ब्लीच प्रकाश इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, धुलाई इत्यादि का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हमने कलर्स किए आज की क्लास में, हमने किया जो डाई है वो अलग अलग प्रकार की डाइस हमने की थी। सबसे पहले हमने अम्लीय रंग किए, क्षारीय रंग किए और हमने कौन से उदासीन रंग किए। अब हम कर रहे थे कुछ अलग प्रकार के और भी जो है रंग है, नेथोल रंग है, मोर्डेंट और डिस्पर्स कलर्स के बारे में बात की थी। अलग है, हमने चार प्रकार के तो पहले की थी और ये हमारे अलग कलर्स, तो इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है कि पता होना चाहिए कि और कौन से रंग होते हैं। नेथोल या एजोइक रंग होते हैं, मोर्डेंट या क्रोम रंग होते हैं जिनमें खनिज रंगों से बनाए जाते हैं, कई प्रकार के कलर्स इनसे बनाए जाते हैं, इनसे कई प्रकार की शेड्स इनके कम और ज़्यादा लवणों को मिलाकर कई प्रकार के शेड्स को बना सकते हैं, कई प्रकार के कलर्स बना सकते हैं। नेथोल रंग है वो आपको बताया कि वनस्पति रेशों को रंगने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और जो फैलने वाला या डिस्पर्स जो रंग होते हैं वो एसिटेट रंग कहलाते हैं और सबसे पहले इनको इन पर एसिटेट रेशो को इनसे रंगा गया था। इस पर सभी प्रकार के जो कृत्रिम रेशे हैं उनको रंगने के लिए डिस्पर्स कलर्स का प्रयोग किया जाता है। ये इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े ही सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं और ये पानी में डिसोल्व हो जाते हैं, घुलनशील होते हैं और पानी में घुलकर ये डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं रेशों के अंदर तक, फिर क्या होते हैं, हवा वाष्प बनकर ये
पानी उड़ जाता है और जो कलर्स होता है वो कपड़ों के जो रेशे हैं उनमें फिक्स हो जाते हैं, उनको अपना स्थान बना लेते हैं उनके अंदर, जिससे वो पक्के चढ़ते हैं। और इनके ऊपर पक्के चढ़ने के बाद इन पर पसीना, धूप, प्रकाश, धुलाई, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये थे हमारे अदर टाइप्स ऑफ डाइस। तो आज की क्लास में इतना ही, आज के लिए ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।